lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying. Hi guys, good morning. I am in Goa right now. तो हम किसी की शादी अटेंड करने आए हैं. आज 9th है. हम कल रात को आए थे यहाँ पे और शादी 10-11 की है तो हम एक दिन पहले आ गए. हम मीनिंग मैं, मेरी मम्मी और पापा, हम एक दिन पहले आ गए. थोड़ा बहुत गोवा भी घूम लेंगे यार, क्योंकि शादी के फंक्शन में तो टाइम ही नहीं मिलता. तो आज का प्रोग्राम है कि पूरा गोवा एक्सप्लोर करना है. वैसे एक दिन में तो आई डोंट नो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा घूमेंगे. तो अभी जा रहे हैं खाना खाने. सुबह के 8:30 हो रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर लिया है. भूख बहुत ज़्यादा लग रही है. तो इतनी भूख लग रही है कि मुँह से सिर्फ खाना खाना निकल रहा है. तो अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने. और बाहर का व्यू इतना अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है बट अगर दिल्ली गुड़गांव से कंपेयर करो, इतनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है और हवा इतनी साफ है. मतलब जैसे ही हम गोवा में लैंड हुए ना, पता चल जाता है. तुम दिल्ली से बाहर जाते हो ना, तुम्हें खुद ही पता चल जाता है अरे हवा बदल गई, पूरी पॉल्यूशन फ्री हो गई, तुम सांस ले पाते हो. लेकिन अगर आपके साथ भी हुआ है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, वैसे शायद वहाँ भी आती होगी. मैं सुबह इतनी जल्दी उठती नहीं तो मुझे पता नहीं है. फटाफट से खाते हैं और देखते हैं क्या है गोवा में. So this is the outfit for the day and quickly want to give a shout out to Zook for sending me these cute pair of slippers. बाकी outfit की details भी description में दी होंगी, check them out. But ये जो slippers है ना, मैंने इसको इसलिए पहना था क्योंकि ये बहुत बढ़िया जा रहा था इस outfit के साथ. पर इन्होंने जो मुझे comfort दिया ना पूरे दिन, honestly मेरे को उम्मीद नहीं थी क्योंकि slippers थोड़े से पतले हैं. तो मुझे लगा यार क्या ही comfort होगा, थोड़ी देर में पैर दर्द हो जाएंगे. वैसे भी स्टाइल मारना है तो कम्फर्ट को तो बाजू में रखना ही पड़ता है. बट गाइस इट ऑनेस्टली इज सो डैम कम्फर्टेबल. इसमें कुछ तो कुशनिंग इफेक्ट दिया हुआ है, पूरे दिन चलने के बाद भी ना मेरे पैर बिल्कुल दर्द नहीं है. और मैं इसको बीच पे पहन के गई हूँ. एज यू कैन सी मेरे पूरे पैर बालू और रेत में धंस चुके हैं. बट ये चप्पल इतनी ज्यादा कंफर्टेबल थी ना यार. अगर आपको भी कंफर्ट और स्टाइल एक साथ चाहिए ना, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. नॉट जस्ट बिकॉज स्पॉन्सरशिप है बट आई टोटली रिकमेंड दिस. मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है इस चप्पल के साथ. सो इफ यू वांट टू बाय इट, यूज द कोड ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट 15% ऑफ. एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो.
हाय गाइस, क्विक आउटफिट चेंज इन होटल और अब हम जा रहे हैं क्रूज पे। मम्मी का बड़ा मन है क्रूज पे जाके डिनर करने का, इतनी मूवीज में देखा है ना उन्हें क्रूज पे वो डांस वगैरह जो भी होता है, तो वहीं पे जाना है। और अभी बागा बीच गए थे, एज यू सॉ इन द वीडियो, तो पूरे गीले हो चुके थे और बहुत ही सॉल्टी और वो सारा बालू वालू ना घुस गया था अंदर, सो दैट्स व्हाई वी केम टू द होटल टू चेंज। और जल्दी से जा रहे हैं बिकॉज बुकिंग है हमारी 8:30 की एंड वी नीड टू रीच, 40 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में, 7:30 हो चुके हैं, वी नीड टू रीच बाय 8:15 और समथिंग। तो फटाफट से जाते हैं और ये उतार देती हूँ, अब इसका कोई भी काम नहीं है। मेजर अपडेट, मुझे अपना रूम मिल गया पूरा। कल मैं मम्मी पापा एक ही रूम में थे, हमने ट्रिपल शेयरिंग करा लिया था, बट आज ये रूम मेरे को मिल गया पूरा। तो मैं वहां से वापस आके आपको सारी अपडेट देती हूँ कैसे क्या हुआ और कैसा रहा। सो आई विल सी यू देन। एक घंटा पहले आके बैठ गए हम यहाँ पे, ड्राइवर ने बोला था 8:15 पहुंचना है, मैं 8:14 पहुंचा और अब पता चल रहा है कि एक घंटे बाद है क्रूज। हाँ बोल, फर्स्ट ड्रिंक इज लिम्का और स्प्राइट, आई थिंक लिम्का है। अगर आपको आपके ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट्स चाहिए आप बार काउंटर से डायरेक्टली ले सकते हैं, सेल्फ सर्विस काउंटर है तो आपको अपने कूपन्स देके आपके ड्रिंक्स और रिफ्रेशमेंट्स बार काउंटर से लेने होंगे। स्नैक काउंटर इज ऑल्सो ओपन, वी वोंट बी कीपिंग इट ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई रिकमेंड यू क्लिक सम पिक्चर्स। एज आई सेड अर्लियर, आई लाइक टू रिपीट माय सेल्फ, आप टॉप डेक या बॉटम। तो बेसिकली ये जो टेंपल डांसर्स हैं, उनको अपने फ्रेंड की शादी में जाना है, उनके फ्रेंड का नाम है दामू, लेकिन शादी जो है दैट्स अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। नाउ हियर कम्स द बोटमैन, ये जो बोटमैन है उनको नदी के उस पार लेकर जाने के लिए मना कर रहा है, इज रिफ्यूजिंग टू टेक देम अक्रॉस। कैसा लगा आपको क्रूज? डिस्को टाइप सी था ये भी, मिनी डिस्को, फैमिली डिस्को। क्रूज का एक्सपीरियंस अच्छा था, अगर आप ड्रिंक करते हो मतलब बियर वगैरह पीते हो तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको वैरायटी मिल जाएगी, आप एक बार कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, एक बार बियर ले सकते हो और दूसरी बार बियर की बॉटल घर भी लेके जा सकते हो। बट हमारे लिए क्या था कि हम ड्रिंक नहीं करते तो हमें 3 times सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही मिलती, तो हमने 2 तो पी लिया, 3री बार पी नहीं सकते और कोई बॉटल भी नहीं थी, वो कांच वाली बॉटल आती ना वो भी नहीं थी कि हम घर ले जाए या कुछ भी, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। और ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ वन लाइक बॉटल और बॉटल ऑफ बियर और वो इसी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक इट्स डिफरेंट, तो अगर आप पीते हो तो आपके लिए सही है, नहीं पीते तो फिर भी यू कैन गो एंड एंजॉय। डांस करने का शौक है तो जरूर जाना चाहिए, डांस करने का शौक नहीं है फिर भी आपको जबरदस्ती नचवाएंगे वहां पे, तो सही है, इट्स अ गुड लाइक टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटी, कर सकते हो यहाँ पर आके। कल हमें उठना है जल्दी और यहाँ से चेकआउट करना है 10 बजे, कल दूसरे होटल में जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल वेडिंग के फंक्शंस होने वाले हैं। बहुत बातें हो गई, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, इट्स 12:35 ऑलरेडी, सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके और ये सब पैकिंग वैकिंग करके चेकआउट भी करना है। आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट।
फ्रिज में कुछ है कि नहीं, कहाँ से खुलेगा। ओके, फ्रिज खाली है। देन वी हैव ये वाली टेबल, ये खुलती है क्या? नहीं। बेड, टीवी, ओ ये सही है, यहाँ पे यू कैन हैव योर मेकअप एंड एवरीथिंग। ये सही है, ये सही है। व्यू देखें ज़रा कैसा है। ओके, कपड़े सुखा सकते हैं। सो दिस इज द रूम टूर। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਓਏ।